चुनाव की घोषणा हो गई है। 23 नवंबर को जारी होगी लोक सूचना और 27 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 13 दिसंबर को मतगणना होगी। अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। 15 दिसंबर को प्रस्तुत कर सकेंगे नामांकन। 20 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना। इसके अलावा उपाध्यक्ष का चुनाव 21 दिसंबर को होगा। ईवीएम से चुनाव होगा। और सीधा रुख करें अंकित तिवारी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अंकित, 11 जिलों के 42 नगर जो निकाय चुनाव है उनकी घोषणा हो गई है और लोक सूचना 23 नवंबर को जारी होगी। फिलहाल खबर पर और कुछ ताजा अपडेट्स, खास जानकारी आपके पास? देखिए, वर्ष 2020 में दो ही चीजें देश और प्रदेश की जनता ज्यादा देख रही है, एक है कोरोना और दूसरा है चुनाव। राजस्थान में नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी ये घोषणा की है। इसके साथ ही 11 जिलों में एक बार फिर से चुनाव प्रक्रिया रफ्तार पे पकड़ेगी और इनमें तारीखें तय कर दी गई है। दोनों ही पार्टियां पहले से तैयारी में जुटी हुई थी। कोरोना काल के चलते थोड़ी समयावधि अवश्य इसमें लगी, लेकिन तैयारियां पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन और पुलिस की है। अब बारी मतदाताओं की है कि जिस तरह से उन्होंने वर्तमान में जो जारी चुनाव प्रक्रिया है, चाहे उनमें भाग लिया हो या पंचायत चुनाव में भाग लिया हो, अब जो नगरीय निकाय है 11 जिलों के 42 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। इन 11 जिलों की अगर हम बात करें तो अलवर, बारा, धौलपुर, दौसा, श्री गंगानगर, जयपुर भी इनमें शामिल है, जोधपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और सिरोही, यहां पर चुनाव होने हैं। इनके लिए 23 से 27 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी होगी, यानी कि दीपावली के जो बैनर पोस्टर सड़कों पर दिखाई देंगे उनमें संभावित दावेदारों के भी नाम होंगे। राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे पर एक बार फिर से भीड़ उमड़ने की संभावना है। बड़े राजनेताओं के यहाँ टिकट चाहने वालों की लंबी लाइन लग सकती है और जाहिर है राजनीतिक लिहाज से भी ये बेहद अहम होंगे, क्योंकि मुकाबला हमने देखा है कि जो 3 बड़े शहरों में अभी महापौर के चुनाव हुए हैं उनमें मुकाबला लगभग बराबरी का सा दिखा है। ऐसे में सत्ता पक्ष एक बार फिर से अपनी मजबूती और पकड़ दिखाने की कोशिश करेगा, वहीं विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ इन नगर निकायों में अपनी पकड़ दिखाई देगा। खासतौर पर अगर बात करें तारीखों की तो 11 दिसंबर को वोटिंग का दिन तय किया गया है, 13 दिसंबर को परिणाम होंगे, यानी कि 2 दिन बाद ही परिणाम आएंगे, और 20 दिसंबर को अध्यक्ष और 21 दिसंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। ये घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। तमाम जो कार्य पकड़ बनाने का जिक्र आपने किया, अगर पकड़ बनाने को अगर हम देखें और सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें, कौन से अहम बिंदु हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर इस बार ये जो है तय होंगी परिस्थितियां आगे मतदान में? देखिए, हमने जब महापौर के चुनाव में संकल्प पत्र दोनों पार्टियों के देखे तो इसमें 40 और 41 का फर्क रहा, यानी कि एक बिंदु कम विपक्ष ने जारी किया था, सत्ता पक्ष की ओर से अधिक बिंदु दिए गए थे जो सत्ता पक्ष को करने हैं। हालांकि काम प्रदेश की सरकार यानी कि कांग्रेस और गहलोत सरकार को करना है, ऐसे में उनके वादों पर जनता कितना अब तक यकीन करती आई है, करती रहेगी, और संभावित जो शहरों में या कस्बों में विकास होना है जिनकी तस्वीर और खाका अब खींचना है, उनके आधार पर जो वोट डालेंगे, तो जाहिर है वोट प्रतिशत अभी के आंकड़ों के हिसाब से जाने तो, क्योंकि शहरी चुनाव हुए हैं, अब अर्ध शहरी चुनाव है, तो जाहिर है शहरी में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, 2% की सीधी बढ़त मतदाताओं के बीच में रही है। ऐसे में बढ़त बनाई और इसके लिए बाकायदे अभियान की तैयारी भी जो है वो कांग्रेस की ओर से। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 13 दिसंबर को मतगणना का समय तय किया गया है।